यहाँ बेकार में क्यों बैठे रहेंगे बोल के, दो पैसा कमाएंगे बोल के आए हैं। पानी का बहुत दिक्कत है गांव में। अच्छा क्या करेंगे, तो कुआं खुदाई कर रहे हैं तो डंडा ही दिखाना पड़ेगा। अप्रैल माह से ही जेठ की चिलचिलाती धूप जैसी तपन और पानी के लिए दूर तक भटकती महिलाओं को कूप निर्माण के लिए बाध्य कर दिया। पानी की समस्या से परेशान बिशनपुर प्रखंड के गोराटोली गांव की दर्जनों महिलाओं ने कूप निर्माण का बीड़ा उठाया। हाथ में कौड़ी, माथे में फीता बांध कर और कमर कसते हुए गोराटोली गांव की जगपति देवी, सुमन देवी, लालमन देवी, कमल देवी, सीमा देवी सहित लगभग 30 महिलाओं ने एक मीटिंग कर गांव के सबके भले के लिए कूप निर्माण का संकल्प लिया। माथे में फेटा बांध कर, कमर कसते हुए, हाथ में कौड़ी और कड़ाही लेकर कूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद देखते ही देखते कूप निर्माण कार्य लगभग 7 फीट मिट्टी कटाई पूर्ण हो गया। तब कहीं जाकर प्रखंड प्रशासन ने इनके हौसले को अफजाई कर गांव के उसी स्थल पर कमल महतो के जमीन पर कूप निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दिया, जिससे महिलाएं बेहद खुश है। अब कूप निर्माण कार्य लगभग 15 फीट हो चुका है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस कूप निर्माण में महिलाएं जिस बीड़ा को उठाया है उसमें गांव के पुरुषों को दूर रखा गया है। इस संबंध में गांव की सुमन देवी से बात करने पर उन्होंने बताया कि पानी के लिए हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर भटकना पड़ता था। गर्मी के मौसम में तो हाल बेहाल हो जाता था और पानी के लिए बेहद परेशानी उठानी पड़ती थी, जिसके कारण हम लोगों ने गांव में एक मीटिंग कर यह निर्णय लिया कि सरकार उन्हें मदद करे या ना करे, वे लोग एकजुट होकर अपने दम पर कूप की खुदाई कर लेंगे। और इसी हौसला के साथ लगभग 1 माह पूर्व गांव की लगभग 30 महिलाओं ने इस कूप निर्माण कार्य को करना प्रारंभ किया। सब मर्दे चल गए हैं कमाने। अच्छा तो महिले लोग करेंगे तब ना। हाँ बेकार में क्यों बैठे रहेंगे बोल के, दो पैसा कमाएंगे बोल के आए गोरा टोली। पानी का बहुत दिक्कत है गांव में। अच्छा ला मिल के हम लोग कुआं खुदाई कर रहे हैं क्या करेंगे, तो कुआं खुदाई कर रहे हैं तो डंडा ही दिखाना पड़ेगा। बता दें कि गांव की जगपति देवी कहती है कि 1 माह के प्रयास से हम लोगों ने लगभग 7 फीट का कुआं खुदाई कर लिया। अब जो प्रखंड की प्रशासन ने भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, इसलिए 3 माह के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे, जिससे गांव के लोगों को प्यास तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ में खेती बाड़ी से गाँव में हरियाली भी आएगी। पानी की कमी के कारण गांव में नहाना, कपड़ा धोना से लेकर मवेशियों को भी परेशानी होती थी। लालमन देवी कहती है कि उनके गांव में अधिकांश पुरुष ईंट भट्टा पलायन कर गए हैं, जिसके कारण इस निर्माण में अधिकांश महिलाएं ही योगदान कर रही है। पूरे प्रखंड के लिए यह कूप निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाओं की जज्बे को प्रखंड वासियों ने सलाम किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।